छत्तीसगढ़ के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में एक बार फिर से संविदा कर्मियों ने हंगामा शुरू कर दिया है। वह काम का छोड़ हड़ताल पर बैठे हुए हैं। एक साथ इतने सारे कर्मियों के काम बंद करने से अस्पताल की व्यवस्था चरमरा सी गई है। इसकी संख्या करीब 600 से अधिक है। दरअसल पिछले दिनों एम्स की तरफ से आउटसोर्सिंग के उलट रेगुलर कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके लिए विज्ञापन भी प्रकाशित किया गया था। एम्स प्रबंधन ने इसके साथ ही संविदा की सेवा खत्म करने के संकेत दिए थे। एम्स के इस फैसले से उन कर्मियों के भविष्य पर सवाल उठने लगे थे जो यहां संविदा के तौर पर सेवारत थे। ये सभी कर्मी प्रबंधन द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किए जाने का भी विरोध किया कर रहे थे। गैर करने वाले की बात यह है कि इस मामले को लेकर कर्मियों और प्रबंधन के बीच कई बार चर्चा भी हो चुकी है, लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो एम्स प्रबंधन ने संविदा कर्मियों को साफ कर दिया कि वे अगले महीने से काम पर नहीं आएंगे। प्रबंधन के इस अपील के बाद कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। चले जाने की आशंका जता रहे हैं हमारा एम्स जो है प्रशासन, इसलिए हम आज यहाँ पे बैठे एकत्रित होकर यहाँ पे बैठे हैं। आप लोग मुलाकात करने गए थे, क्या बात हुई अभी तक मुलाकात? हम आज तक प्रशासन हमसे मिलने के लिए हमसे सलामी, हम उनको सलामी ठोकते थे, हम उनको जी हुजूरी करते थे। आज वही हमसे मिलने के लिए हमको बोलते हैं कि आधा घंटा वेट करिए, 10 मिनट वेट करिए, वो हमसे मिलना ही नहीं चाह रहे हैं। अगला कदम हमारा ये आएगा कि देखिए, हम लोग 10 से 12 साल से काम कर रहे हैं, सभी कर्मचारी कोरोना जैसी विकट परिस्थिति पर भी हम लोगों ने हमारे घर परिवार को छोड़ करके यहाँ पर पूरी तरीके से हम लोगों ने अपना समय दिया और उसका प्रतिफल फलस्वरूप हमको ये दिया जा रहा है कि 600 से 700 कर्मचारी यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर है, हॉस्पिटल अटेंडेंट है और विभिन्न प्रकार के और भी कर्मचारी हैं। सब लोगों को एम्स का कहना यह है कि परमानेंट को भरा जाए और इन आउटसोर्स को निकाला जाए। इस स्थिति पर हम लोगों ने, हमारे आउटसोर्स के और लोगों ने पत्र भी दिया, पत्र की प्रतिक्रिया नहीं दिए गए। मिलकर बात करने पर साफ लहजे पर बता दिया गया कि हम लोग तुम्हारा ठेका लेके नहीं रखे हैं करके, लेकिन हमारा सुनवाई नहीं होने के कारण आज हम लोग यहाँ पर आकर के मजबूरन बैठे। पहले भी आप लोगों ने ज्ञापन वगैरह दिया, उसमें क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।